ओरियो के बिस्किट, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध, डेरी मिल्क चॉकलेट और पीनट्स के टुकड़े। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ओरियो बिस्किट को ग्राइंड करके लेंगे। इसके जो रैपर है उसको हमको संभाल के रखना है, क्योंकि ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये ओरियो बिस्किट जो हम लोग ने डाला था वो पूरी तरीके से पाउडर हो चुका है। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। और इसका अच्छा सा पेस्ट बना के लेंगे। लेंगे और इसमें हमारा जो संभाला हुआ ओरियो का रैपर है वो डाल देंगे और फिर इस रैपर में हमारा बनाया हुआ पेस्ट डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो पेस्ट है इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसमें आइसक्रीम स्टिक्स डालूंगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं इसे फ्रीजर में 10 से 12 घंटे फ्रीज होने रख दूंगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं चॉकलेट का सिरप बना लूंगा। इसके लिए मैंने एक बाउल में पानी गर्म होने रख दिया है। इसके ऊपर हम लोग चॉकलेट एक बाउल में डाल के इसके ऊपर मेल्ट होने रख देंगे। कुछ है तो आप थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, 12 घंटे हो चुके हैं और मैं अभी आइसक्रीम को बाहर निकाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आइसक्रीम को इस चॉकलेट सिरप में डिप करके लूंगा। अभी ये है हमारा चोकोबार और ये है चोकोबार विथ नट्स। इसके ऊपर इसलिए हम थोड़ा सा नट्स डालेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।